आज एक मेरे पास लेनोवो का लैपटॉप आया हुआ है। इसमें केस क्या है कि ये मेरा ऑलरेडी चार्जिंग वगैरह सब कुछ, इसमें सब कुछ नहीं ले रहा है। बाकी इसमें सिस्टम मेरा परफेक्टली ऑन है। मैं आप लोग को जैक भी डाल के दिखा देता हूँ। बिल्कुल डाल दिया, देख सकते हैं बिल्कुल सही है। अब मैं इसे ऑन करता हूँ। ऑन बटन इसका ये साइड पे दिया हुआ है। ये मेरा सिस्टम पर्टिकुलर ऑन हो गया है, देख सकते हैं। अब इसमें चेक करूँगा मैं, चार्जिंग का दिखाता हूँ। अब इसके आगे मेरा कोई सप्लाई नहीं, तो ये टच भी है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग का इंडिकेशन पे चार्जिंग का इंडिकेशन कर रहा है। बट ये मेरा, अब मैं आप लोग को दिखा दूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये 30% है। मैं इसे 2 मिनट में, 2 मिनट में तो 1% भी बढ़ना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं पार्टी क्या कहता है क्या नहीं। उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर मैं अपने स्तर से चेक करना ज़्यादा उचित समझता हूँ। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल 30% ही है। ये चार्जिंग का इशू है, पार्टी का कहना ही है कि मेरा चार्जिंग नहीं हो रहा है। तो चलिए इसमें देखते हैं चार्जिंग कर, इसका पूरा बोर्ड वगैरह सारा कुछ खोल के कि इसमें फाइनली क्या प्रॉब्लम। ये एटम बोर्ड प्रोसेसर बोल सकते हैं इस पर, आपका रैम प्रोसेसर इसमें सारा कुछ इनबिल्ड है इस बोर्ड में। इसमें अगर 30% से ज़्यादा इसमें चार्जिंग का जो वोल्टेज है वो बढ़ता नहीं था। तो चलिए ऑलरेडी मैंने खोला हूँ, अब इसमें चार्जिंग सेक्शन का आईसी वगैरह देखता हूँ इसमें किधर लगा हुआ है। अच्छा, 3.5 वोल्ट ऑलरेडी सही है। ये इसका पार्ट नंबर है BM5338, ये इसका पार्ट नंबर है। इसके आगे ये देख सकते हैं मेरा चार्जिंग आईसी मिला, BQ735 है ये, तो ऑलरेडी ये है। तो चलिए इसे देखते हैं। एक थोड़ा सा कैपेसिटर में भी प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, ये वाला में आपको दिखा दूँ। इस वाले कैपेसिटर में मुझे प्रॉब्लम थोड़ा सा नज़र आ रहा है, अभी जैसा दिख रहा है उसके हिसाब से पूरा ब्लैक हो गया। कहीं ख़राब तो नहीं है, उसी की वजह से चार्जिंग नहीं ले रहा। मुझे तो लगता है कि ये कहीं ख़राब हो सकता है। एक बार फाइनली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस तरह का भी कैपेसिटर कभी भी देखिए आपका तो प्रॉब्लम कर सकता है। ये देख सकते हैं ये भी मेरा प्रॉब्लम हो सकता है। चाहिए मैं फाइनली इसे चेक करता हूँ मल्टीमीटर से, इसका वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये चीज़ चेक करना है। इस पर कोई वैल्यूशन नहीं है इस पर। अच्छा, और एक जो इधर मुझे नज़र आ, अच्छा इसमें वैल्यूशन है। इसको चलिए इसको निकाल के देख लेते हैं। वर्कल डैमेज ऑलरेडी मुझे नज़र आ रहा है, तो पहला पॉइंट बनता है कि उसे पहले करके देख लें। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर आगे का प्रोसेस है। अब इस पर दूसरा लगा देते हैं ऑलरेडी। चलिए अब इसमें पानी थोड़ा ब्रश से साफ कर लेते हैं। ऑलरेडी तो इसे चेंज ऑलरेडी हो चुका है, सेम बोर्ड से ही मैंने किसी दूसरी जगह से लगा दिया जिसमें लाइन पोर्ट के सेक्शन से, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये लग चुका है, बिल्कुल लग चुका है, ठीक है। और ये साइड पे, ये साइड पे भी। चलिए अब इसे फाइनली बैटरी लगा के थोड़ा सा चेक करते हैं। अब इस पे आप इसमें सोच रहे होंगे कि मैं बैटरी लगाते रहा हूँ तो हीटसिंक क्यों लगाया हूँ।
इसलिए हीट सिंक लगाया हूँ, जैसे ही इसको सप्लाई मिलेगा ये ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा। ये सीमॉस बैटरी में ये ऑलरेडी ख़त्म है, इसलिए डायरेक्ट इसमें ऑन हो जाता है, इसलिए मैंने हीट सिंक को लगा दिया ताकि प्रोसेसर में भी मुझे कोई प्रॉब्लम और कोई इशू ना करे, क्योंकि हर चीज़ को देखते हुए सेफ्टी के साथ में काम करना है। ऐसा नहीं है कि अगर थोड़ा सा इस पर एक सेकंड के लिए इधर सुधर हो गया तो सारा चीज़ आपको उलट पुलट पड़ जाएगा। तो चलिए इसको जेक को इन मारते हैं। ये तो हो गया। अब चार्जिंग का जैक भी मैंने ऑलरेडी लगा चुका हूँ चार्जर का। अब मैं मल्टीमीटर से आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा चार्जिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा है, क्योंकि ये मेरा सिस्टम ऑन हो गया होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फ़ैन नहीं दिया हुआ है, बहुत बड़ा एक हीट सिंक डाला हुआ है। तो चलिए अब चेक करते हैं चार्जिंग एक बार। बिल्कुल 12 चल रहा है बैटरी, 11-12 वोल्टेज ठीक है, 5-4-6 हो रहा है, ये 5-4-6 हो रहा है। इसके आगे अगर मेरा बढ़ जाता है तो समझ लेंगे चार्जिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे लैपटॉप को कसना पड़ेगा और कस के मुझे देखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा कस के मैं डिस्प्ले में ही देख पाऊंगा सही से कि मेरा ये सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, नहीं होगा तो फिर चार्जिंग आईसी वगैरह चेंज करूंगा, इसका पूरा रिक्वायरमेंट को चेंज करूंगा, चेक करूंगा। तो मेरे पास ऑप्शन है तो मैं सोचा क्यों नहीं एक एक करके पहले चेक करते हैं हर चीज़ को, क्योंकि उसमें सप्लाई कैपेसिटर में नहीं था तो उस वजह से भी प्रॉब्लम करता है। तो आपका भी कभी इस तरह के आए तो सीधे आप चेंज करके ही देखिए। ऐसे पर्टिकुलर सारा कुछ जैक वगैरह तो मैं इसमें लगा चुका हूँ और विंडो बाकायदा इसमें मैं ऑन भी किया हूँ। तो मैं आप लोग को दिखा दूँ कि मेरा चार्जिंग का अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल 81% है। तो पहले स्टार्टिंग में मैंने कितना परसेंट से स्टार्ट किया था, 30% से, ये मेरा ऑलरेडी चार्जिंग ले रहा है। तो ये मेरा फाइनली चार्जिंग ले रहा है, मैं थोड़ा सा परसेंटेज देख लेता हूँ बढ़ते हुए। अच्छा बिल्कुल फ्रेश करते हैं, अच्छा 82%, यस ये मेरा फाइनली चार्जिंग ये ले रहा है। तो मैं ये मेरा लेनोवो का आप देख सकते हैं, ये मॉडल है लेनोवो का फ्लैप 10 टच के साथ में है। मुझे ऐसा दो केस ऐसा एक मिला कि छोटा छोटा प्रॉब्लम चार्जिंग सेक्शन में मुझे मिला, प्लगिंग इन कर रहा है बट ये चार्जिंग नहीं होने दे रहा था। छोटा छोटा प्रॉब्लम कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी तो चार्जिंग सेक्शन में ही इतना लंबा प्रोसेस के साथ में मिलेगा कि टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है, बनने का तो बन ही जाता है। ये आप देख सकते हैं 82 से डायरेक्ट 84 में ये चार्जिंग शिफ्टिंग हो गया मेरा। तो मेरे पास उस जो लेनोवो का उसका डायग्राम मेरे पास नहीं था, तो मैं आप लोगों को चार्जिंग आईसी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे दूं। तो मेरा किस पिन में प्रॉब्लम कर रहा था ऐसे तो समझ में नहीं आएगा जब तक आईसी का फिगर नहीं आ गया। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरा SCO के प्रेजेंट था 19 वोल्ट, इस 19 वोल्ट मेरा आईसी में बिल्कुल सही था इस वाले पिन पे, ये भी मेरा प्रेजेंट था, ये भी मेरा प्रेजेंट था। तो मेरा जो ये जो प्रॉब्लम था BST का पिन में, BST का पिन के साथ में जो कैपेसिटर जो मेरा लगा हुआ था ऑलरेडी उस पर, वो उसी का मेरा ये मेरा शॉर्टिंग हो गया था। तो इसके चलते ये मुझे दूसरा चेंज करना पड़ा BST का, तो जाकर मेरा फिर चार्जिंग लेना स्टार्ट हो गया था।
और ये भी मैं चार्जिंग आईसी का बिल्कुल मैं सारा सप्लाई को चेक किया था, तो ये भी मेरा बिल्कुल ओके था, ये भी था अवेलेबल। और पिन नंबर ये इसमें भी मेरा हो गया, ये इसमें भी था मेरा, इसमें पिन नंबर में 2.5 वोल्ट था मेरा इसमें। और बस मैंने इतना ही सारा चेक किया था उस बोर्ड में। तो उसके बाद इसमें भी 19 वोल्ट, इसमें भी 19 वोल्ट था मेरा मेरा। उसके बाद सारा कुछ चेक करने के बाद मुझे क्या BHT का जो कैपेसिटर होता है तो उसमें जाके मेरा प्रॉब्लम मिला, तो मैंने उसके जाके चेंज कर दिया, तो मेरा वो चार्जिंग वगैरह सारा कुछ लेने लगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।